हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेक इंग्लिश। दिस इज धीरज कुमार। आज जो हम लोग करेंगे आपके कोस्ट गार्ड और साथ में एयरफोर्स दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट से प्रैक्टिस सेट, और इसके अंदर हम लोग कॉमन एरर करेंगे जिसमें आपको मैं ट्रिकली बताते जाऊंगा कि कैसे हम लोग कॉमन एरर में गलतियां छाटते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। और जो टॉप 100 मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की जो वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर एक ही वीडियो में 100 वन वर्ड करा दिए थे, उसको जाके रट लो, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो को आपको या तो चैनल पे विजिट करो या फिर वीडियो कैसे एंड में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड में देख लेना। फिलहाल देखो, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ट्रिक इंग्लिश को तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज यहाँ पे डेली आपको वीडियोज मिल रही है इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर श्योर टू पास। ठीक है, अब देखो गाइस, यहाँ पे क्या है, नाइदर ऑफ के साथ आगे जो है नाउन ब्रदर्स आया है, तो दो में से कोई, दोनों भाइयों में से कोई भी नहीं, तो कोई भी नहीं तो प्लूरल नहीं, अब सिंगुलर हो गया, तो ब्रदर्स के लिए हम लोग आर नहीं, ब्रदर्स के लिए ये आर ब्रदर्स के लिए नहीं आया है, इन दोनों में से किसी के लिए नहीं आया है, तो यहाँ पे क्या मतलब इज होगा, आर नहीं होगा। क्यों गाइस, देखो यहाँ पे सिंपली समझो, नाइदर ऑफ के साथ या फिर नन ऑफ के साथ या फिर इधर ऑफ के साथ या फिर इच के साथ, इन सभी के साथ जो वर्ब आता है आगे वो सिंगुलर होता है, तो ये सिंगुलर क्या होगा, यहाँ पे आर का क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है ना, इच सो इज हो जाएगा, इज श्योर टू पास। ठीक है, तो ये चीज जरा आप लोग ध्यान रखना। अभी क्या है क्वेश्चन नंबर टू में, बिलीव मी आई एम बिलीविंग वाट एवर यू हैव सेड। अब देखो, बिलीव को, हेट को, ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं, ठीक है ना, जिनको गाइज हम लोग आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज कर सकते हैं। अब ऐसे कंडीशन में क्या करें, एम के साथ क्या यूज करें, तो हम लोग इसको देखो जस्ट इसके पहले वाले टेंस में बदल देते हैं। जैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पहले टेंस कौन सा आता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आता है। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होगा, आई बिलीव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई बिलीव। ठीक है, तो बिलीव मी आई बिलीव वाट एवर यू हैव सेड, मुझ पर विश्वास करो, तुमने जो कुछ भी कहा है मैं उस पर बिलीव करता हूँ, ये चीज कह रहा है ये सेंटेंस। ठीक है, तो जरा इसको ग्रामेटिकली अगर देखोगे तो ये एरर है, और बाकी अपने स्पोकन टाइप से देखोगे तो सब सही लगता है। तो स्पोकन इंग्लिश हमको यूज नहीं करना है, यहाँ पे ग्रामर का इंग्लिश यूज करना है। एग्जाम में आपका स्पोकन इंग्लिश टेस्ट नहीं करेंगे वो लोग, अभी स्पोकन इंग्लिश कहाँ पर टेस्ट होगा, एयरफोर्स के ग्रुप डिस्कशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री देखो क्या है, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम इलनेस When we visited him last year। अब कुछ लोग कहेंगे ना कि सर यहाँ पे was suffering तो सही है, और when we visit के साथ हम लोग to लगाते हैं, तो नहीं, visit के बाद कोई भी preposition नहीं आता है, इस basis पे इसके अंदर no error है, कोई भी error है ही नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर बिल्कुल भी सही है। और एक चीज़ याद रखना, visit के साथ कोई भी preposition नहीं लगाया और सेंटेंस में लगाया भी नहीं है। कभी कभार एग्जाम में visit के साथ to लगा देता है, तो वो गलती होता है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, चलो फिर हम लोग देख लेते हैं गाइस, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी मॉर्निंग सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या कह रहा है, हर सुबह सूर्य जो होता है ईस्ट में उगता है। तो आपने एक चीज सुना होगा हिंदी में शाश्वत सत्य, या फिर इंग्लिश में सुना होगा आपने यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब ऐसी चीजें जो जिसको बदला नहीं जा सकता। सूर्य जो है ये ईस्ट से निकलेगा हर बार, तो निकलेगा जिंदगी भर। अस्त कहाँ पे होगा, वेस्ट में, पश्चिम में अस्त हो जाएगा, डूब जाएगा सूर्य। उदय होता है पूर्व से, अंत होता है मतलब डूबता है पश्चिम से। तो जिसको बदला नहीं जा सकता उसको क्या कहते हैं, शाश्वत सत्य, जो चीजें होनी ही होनी है, तो ये उसको हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखते हैं। तो ये सही है, तो एवरी मॉर्निंग सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे देखो, अ गुड फ्रेंड ऑफ मी हैज बीन इन लंदन फॉर 20 ईयर्स। अब देखो गाइज, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है ना, गुड फ्रेंड ऑफ मी। अब इसके अंदर मी का मतलब हम लोग का जो एक मेरा जो है एक अच्छा फ्रेंड है। ठीक है, मेरा एक अच्छा फ्रेंड कहाँ रहता है, हैज बीन इन लंदन फॉर 20 ईयर, 20 सालों से कहाँ, लंदन में रह रहा है। तो मेरा ना, तो मेरा experience क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे गुड फ्रेंड ऑफ मी के जगह पे माइन करेंगे। ठीक है, पोसेसिव प्रोनाउन का यूज करोगे, माइन का यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे देखो, 2 and 2 makes 4। अब दो लोग हैं यहाँ पे, 2 and 2, दो और दो मिल के 4 बनाते हैं ना, तो यहाँ पे मैक्स के जगह पे क्या होगा, मेक। प्लूरल क्या करोगे, V5 के जगह पे V1 का यूज होगा, मेक 4 का यूज होगा। ओके, चलो आगे देखते हैं, ही इज बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। ही इज, देखो बेस्ट के साथ क्या होता है ना, जनरली द का यूज होता है बेस्ट के पहले, ये सुपरलेटिव डिग्री है, मैं जल्द ही एक सुपरलेटिव डिग्री का वीडियो बनाऊंगा, तो ही इज द बेस्ट प्लेयर होगा। ठीक है, तो ही इज द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया होगा। चलो, ही इज
कस्टम्ड विथ कमिटिंग द मर्डर, अब देखो सॉरी कस्टम नहीं है, अक्यूज्ड है, ही इज अक्यूज्ड विथ कमिटिंग द मर्डर, मतलब अक्यूज्ड के साथ विथ प्रीपोजिशन का नहीं ऑफ प्रीपोजिशन आता है, ठीक है, अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग द मर्डर, मतलब उस पर मर्डर का क्या है चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं, ही सेड दैट ही कैन नॉट फाइंड हिज की, मतलब वो उसने कहा कि वो इसका की नहीं ढूंढ सका, तो ये पास्ट इंडिफिनिट में है ना, तो कैन का क्या बनोगा कुड बनेगा, तो कैन का कुड बना दो यहाँ पे पास्ट टेंस में, क्लियर है, चलो मैनी स्टूडेंट हैव पास्ड दिस एग्जामिनेशन, बहुत सारे लोगों ने क्या किया पास कर लिया, मैनी अ के बाद हर चीज सिंगुलर आता है, तो स्टूडेंट है ना, तो यहाँ पे हैव के जगह पे हीज लगाओ, सॉरी हैज लगाओ, तो मैनी स्टूडेंट हैज पास्ड दिस एग्जामिनेशन, ठीक है, तो यहाँ पे हैज का यूज सही होगा, तो गाइज यहाँ पे 5 and 5 minute 10 आपको कॉमन एरर कराया, जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने 10 में से कितने कॉमन एरर के क्वेश्चन सही किए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बाकी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगी वो बड़ी आएगी, तो रेडी रहना उसके लिए।